फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज हम अगेन इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट के पेपर टू का, जो कि 29 जन 2012 को हुआ था। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस पेपर के साइंस पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। साइंस पार्ट से 30 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, उन 30 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को वन बाई वन समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं यदि आप डेली बेसिस पर वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और जो आपका रिस्पॉन्स है वो मेरे तक नहीं पहुँच पाता है। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप स्वयं से भी अटैम्प्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना स्कोर बता सकते हैं, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो 61 नंबर से स्टार्ट है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएँ दी गई हैं, जिसमें लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि लोहे पर जंग का लगना, तो लोहे पर जंग का लगना और श्वसन दोनों ही हमारे रासायनिक परिवर्तन है। यह दोनों प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे संपादित होती हैं और इसी कारण से मंद दहन कहते हैं। फ्रेंड्स, लोहे में जंग का लगने के लिए ऑक्सीजन, जल या फिर जलवाष्प दोनों की क्या है, उपस्थिति जरूरी होती है। जबकि फ्रेंड्स, जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें खाद्य पदार्थों के अणु रक्त द्वारा आपूर्ति किए गए ऑक्सीजन से संयोग कर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम श्वसन या मंद दहन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और सी दोनों ही क्या है, रासायनिक प्रक्रियाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है, यानी कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये सजीव जीव है जीवाणु, यानी कि कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी हुई होती है और सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो पौधों कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षा कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हुआ फ्रेंड्स जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जब सीएनजी और एलपीजी का हम पूर्ण दहन करते हैं तब कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो फ्रेंड्स, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएनजी और एलपीजी दोनों ही जो गैसों का जो पूर्ण दहन करने पर, एक तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप नोट डाउन करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल बनता है, यानी कि CO2 और H2O। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है और इसमें 80-90%, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 80-90% जो मात्रा होती है वो इसमें फ्रेंड्स मीथेन की होती है, यानी कि CH4 की होती है। और गैस जो हम इसको बोल सकते हैं एलपीजी के विषय में फ्रेंड्स, कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि एलपीजी में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि किसका मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर होता है फ्रेंड्स प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन जैसे हाइड्रोकार्बनों का। और फ्रेंड्स, इसमें इसका जो निम्न क्वथनांक होता है वो -44 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से इस गैस को हम सिलेंडरों में भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है। केवल आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ CO2 एवं H2O उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना
चाहिए, यानी कि किस लिए उनकी योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए वो हमें लॉजिक बताना है। तो फ्रेंड्स, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में घटित होने वाली अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। विज्ञान के सिद्धांतों को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट का जो ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मीय मान की SI इकाई है, यानी कि ऊष्मीय जो मान है हमारा उसकी SI इकाई क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि किलो जूल प्रति किलोग्राम, kg per kg। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी ईंधन के एक किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जिसका ऊष्मीय मान, जो फ्रेंड्स जो जिसे हम ऊष्मीय मान के नाम से पुकारते हैं, और फ्रेंड्स ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये नाम है किण्वन का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। और इसके विषय में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन के नाम से जानी जाती है। दूसरा फ्रेंड्स, जटिल कार्बनिक समूह यानी कि सूक्ष्म जीवों एवं सूक्ष्म जीवों से रहित जटिल नाइट्रोजनिक जो हमारे पदार्थ हैं, एंजाइम्स हैं, द्वारा मंद गति से अवघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सुक्रोज है यानी कि चीनी है, जब वो जल से रिएक्ट करती है तो हमारा फ्रक्टोज यानी कि ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद जैसे उसको जाइमेस के द्वारा या यीस्ट से हम क्रिया कराते हैं तो हमें एथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर अलग से 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और वे सभी क्वेश्चंस हम वीडियो के लास्ट में या वीडियो के शुरू में ही जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी में ही हम आपको बता देते हैं। और नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, क्या सीमा है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, तो ये एक मुख्य सीमा यानी कि सीमा लिमिटेशन है, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इसी के विषय में मैं आपको एक और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बताना चाहूँगा, परियोजना पद्धति के विषय में, कि जो परियोजना पद्धति थी उसके कभी कभी जन्मदाता का नाम पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, परियोजना पद्धति के जो जन्मदाता थे वो थे सर विलियम किल पैट्रिक, यानी कि सर विलियम किल पैट्रिक हैं। तो इस तरह से कभी कभी इसके जनक का नाम भी पूछ लिया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए, यानी कि किस चीज़ पर बल देना चाहिए वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, विज्ञान में जो योगात्मक आकलन के द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल दिया जाता है, और दूसरा, कोई बालक यदि विशेष प्रकार की गलती क्यों लगातार कर रहा है इस बात को जानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो विलक्षण ढंग से कार्य करता है। और फ्रेंड्स, बालक की विज्ञान विषय में कमजोरी एवं कठिनाई की प्रकृति या कठिनाई स्थलों का पता चल जाने से उस कमजोरी या कठिनाई को कारणों का पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आहारी रेशे होते हैं जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो आहारी रेशे क्या कहलाते हैं वो हमें बताना है। तो जो आहारी रेशे होते हैं फ्रेंड्स, वो कहलाते हैं रुक्षांश कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। इसकी विषय में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, संतुलित आहार में मुख्य रूप से हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन और खनिज लवण होते हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे इस आहार में आहारी रेशे तथा जल भी शामिल है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है? पादपों के द्वारा होती है। और रुक्षांश का जो मेन स्रोत है वो है फ्रेंड्स खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल या फिर सब्जियां। तो इस तरह से रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आपका जो रिस्पॉन्स है मेरे तक पहुंच पाए। और फ्रेंड्स आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप ठीक ठीक दे रहे हैं, आप उन सभी क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। उनका जो आंसर है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी 70 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी घटती है लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता है, तो फ्रेंड्स उसका मतलब क्या है, यानी कि कौन सा जो ऑप्शंस है वो इसमें सेट बैठेगा वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि आप ऑप्शन नंबर 3 की ओर देख सकते हैं कि उत्पादित ध्वनि का जो तारत्व है और प्रबलता दोनों घटते हैं। यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हम मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, यानी कि कृत्रिम रेशम कौन सा कहलाता है? तो फ्रेंड्स 71 में जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका रेयान। रेयान क्या है? एक कृत्रिम रेशम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। जो विज्ञान शिक्षण है वो किसकी ओर, एक क्रिएटिव जो हमारी अप्रोच है उसकी ओर संकेत करता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो फ्रेंड्स विज्ञान शिक्षण में रचनावाद जो उपागम है वो फ्रेंड्स आपको अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है, यानी कि इसका जो लास्ट का जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जिससे दम घुटता है वह कौन सी गैस है, तो वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उत्तकों तक नहीं पहुंचने पाता है, और जिससे क्या फ्रेंड्स होता है कि जिससे दम घुटने लगता है, और ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि पौधों में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूकंपों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है क्योंकि सही नहीं है के चक्कर में आप क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है 74 में, जो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ, और भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है, ये सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, जैसा कि भूकंप तरंगों का जो रिकॉर्ड है वो भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है, तो जबकि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो का देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है, यानी कि रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में विज्ञान जो शिक्षण की जो प्रक्रिया में प्रयुक्त रूपात्मक आकलन की जो मेन विशेषता है कि यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका लास्ट में दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है इस पार्ट में, इस पेपर के अगेन पार्ट में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको
आप जैसे ही चैनल की प्लेलिस्ट लिखी हुई आती है तो आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहीं पर हमने टॉपिक वाइज वीडियोस को अकॉर्डिंग टू सिलेबस डाला गया है, जो कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।